हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल बाड़मेर की कार्य समिति की बैठक स्थानीय साईधाम परिसर में आयोजित की गई। नगर महामंत्री आनंद पुरोहित ने बताया कि सर्वप्रथम मुख्य अतिथियों द्वारा मां भारती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुरुआत की। तत्पश्चात नगर महामंत्री किशन बोहरा ने संगठन मंत्र एवं वंदे मातरम गीत के साथ बैठक प्रारंभ की। तत्पश्चात मंडल अध्यक्ष सुरेश मोदी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों के लिए धन्यवाद प्रस्ताव, राजस्थान के राज्य सरकार की नाकामियों के लिए निंदा प्रस्ताव अनुमोदन हेतु भाजपा नगर मंडल कार्य समिति की बैठक में वाचन कर रखा गया, वह जिसे सभी ने अनुमोदित किया। सभी पधारे मंचासीन अतिथियों व कार्यकर्ताओं का भाजपा का दुपट्टा पहनाकर व शब्दों के माध्यम से स्वागत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने मोदी सरकार के कार्यों की बात करते हुए कोरोना काल में जिस तरह मरीजों के लिए ऑक्सीजन दवाई, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट वगैरह की पूरे देश में व्यवस्था कर देश की जनता को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया एवं पूरे देश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को भारतीय फ्री वैक्सीन उपलब्ध करवाई, उनकी सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। जिला अध्यक्ष आदुराम मेघावल ने कहा कि कोरोना की दोनों लहर अत्यंत भयावह थी, जिसमें कई परिवारों के चिराग काल कलवित हुए। पार्टी उनके असमय निधन पर शोक व्यक्त करते हुए शोक प्रस्ताव पारित करती है। कोरोना ने पूरे विश्व के साथ हमारे देश को भी प्रभावित किया, मगर केंद्र की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के कुशल प्रबंधन के चलते हम इस पर विजय प्राप्त कर पाए। प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिलीप पालीवाल ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने में हमारी कई पुरधाओं ने अपने जीवन के पल पल को पार्टी को समर्पित किया है, जिसमें से एक थे सुंदर सिंह जी भंडारी, जिनकी हम आज जन्म जयंती वर्ष भी मना रहे हैं, जिन्होंने त्याग, समर्पण व निष्ठा से, निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा की। उनके प्रयासों की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र व 21 प्रदेशों में सत्ता हासिल कर पाई है। हम सभी कार्यकर्ताओं को हमारे इन कुशल नेताओं की जीवनियों को पढ़ना चाहिए, वो उनके बताए मार्ग पर चलने के निरंतर प्रयास करने चाहिए, जिससे कि हम अपने मकाम को आगे और बढ़ा सके। जिले के महामंत्री स्वरूप सिंह खारा ने संगठन के दायित्वों को लेकर उनके कर्तव्य व कार्यों को विस्तार से बताया कि प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की महत्वपूर्ण धुरी है, पार्टी कार्यकर्ताओं की माँ समान होती है, अतः पार्टी व देश के हित में सभी कार्यकर्ता बिना किसी स्वार्थ के समर्पण भाव से कार्य करें व राष्ट्रवाद व देश प्रेमी की भावना को आत्मसात कर देश की प्रगति में भागीदारी बने। अनुसूचित मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण बडेरा ने कहा कि जहां एक ओर मोदी जी का कुशल प्रबंधन ने देश की आन बान शान व पूरे विश्व को बढ़ाया है, वहीं कांग्रेस की निकम्मी, नाकारा व भ्रष्टाचारी सरकार ने आम जनता के साथ धोखा किया है। अपने चुनावी एजेंडे के उलट बिजली की दरों में अनावश्यक वृद्धि व युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, किसानों के संपूर्ण कर्ज की माफी से मुकर गए व भ्रष्टाचार व दलित किसान व महिलाओं व मजदूरों पर अत्याचार के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, ऐसी अजारक व नाकारा सरकार को अब की बार जनता पुरजोर सबक सिखाएगी। बैठक को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य स्वरूप सिंह राठौड़ ने भी संबोधित किया। प्रतिपक्ष नेता पृथ्वीराज चंडक ने सभी पधारे शक्ति केंद्र संयोजक, प्रभारी, बूथ अध्यक्ष, नगर व जिले के समस्त पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं सहित मंचासीन अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। मंच संचालक आनंद पुरोहित द्वारा कल्याण मंत्र के साथ बैठक को विराम दिया गया। बैठक में प्रदेश महिला कार्य समिति सदस्य जयश्री खत्री, जिले के गंगा विशन अग्रवाल, रमेश शर्मा, प्रकाश शराफ, धनराज सोनी, धनराज जोशी, इंदु शर्मा, बलवंत सिंह भाटी, कैलाश कोटाड़िया, अब्दुल रहमान, मिर्चुमल कृपलानी, अंबालाल अलबेला, जितेंद्र मालू जनता, दीपक अड़वासरा, महावीर सिंह, पद्माराम जयपाल उपस्थित रहे। नगर मंडल के नंद किशोर राठी, प्रदीप शर्मा, कैलाश आचार्य, रेणु दर्जी, मनोहर कंवर, विक्रम सिंह कोलू, रावत प्रजापत, रामेश्वर सोनी, रानूलाल खत्री सहित सभी पार्षद, आईटी सेल व शक्ति केंद्र संयोजक, प्रभारी व बूथ स्तर के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकराराम मेघावल की रिपोर्ट।